छत्तीसगढ़ में हैट्रिक बना चुकी भाजपा अब चौथी पारी के लिए अपनी सारी ताकत प्रदेश में झोंक दी है। अपने दो दिवसीय प्रवास पर वैशाली नगर पहुंचे हिंदूवादी नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा प्रत्याशी के लिए आम सभा ली। इस दौरान आदित्यनाथ ने कांग्रेस के ऊपर तीखा हमला बोलते हुए विकृत मानसिकता की पार्टी करार दी। योगी ने कहा कि कांग्रेस भिलाई के कुंड निर्माण में ही बाधा नहीं पहुंचा रही, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी बाधा पहुंचा रही है। योगी ने कहा कि कांग्रेस खुद विकास तो नहीं करती, पर विकास में बाधा भी करती है। ये केवल आपके सूरज कुंड के निर्माण में ही बाधा खड़ी नहीं कर रही है कांग्रेस, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण हो इस कार्य में भी सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस है। ১৯৪৯ से लेकर के अब तक पहले पंडित नेहरू ने अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय मूर्तियों को जबरन हटाने का प्रयास किया, लेकिन हिंदू प्रतिरोध को देखते हुए उनकी नहीं चल पाई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वह बहस पिछले वर्ष आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने अयोध्या के राम जन्मभूमि संबंधी मामला जब विचार के लिए आया तो कांग्रेस के नेता श्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले की सुनवाई 2019 से पहले न की जाए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।